सो हे गाइस, मेरा नाम है ली और आप देख रहे हैं अलमन एटेक्स चैनल। सो फ्रेंड, आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताना ना कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपने इनरोलमेंट कराए हुए, आप अपना नाम सर्च कर रहे हो और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हो तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। pmkisan.gov.in पे जा रहे हो, वहाँ पे पहले फार्मर का एक ऑप्शन रहता था जहाँ से हम चेक कर सकते थे कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो आई है या नहीं, या फिर कितने इंस्टॉलमेंट आ चुके हैं। ये सब चीज़ हम वहाँ से बहुत ही अच्छे से ट्रैक कर पा रहे थे, बट अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हो तो कुछ इस तरीके से सारे ऑप्शन पे लिखा हुआ आ रहा है, सर्वर इन एप्लीकेशन, सर्वर एरर इन एप्लीकेशन, और कोई एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको सेम इज इट इज़ यही प्रॉब्लम आ रही है। बट ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने के लिए ही वीडियो बनाया हुआ है, तो वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप या फिर फॉरवर्ड मत कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे बहुत ही आसानी वे में ट्रैक कर सकते हो। लेकिन ट्रैक करने से पहले आप तीन चीज़ें रेडी रखिए, तीन में से कोई एक, चाहे आप अपना मोबाइल नंबर, चाहे अकाउंट नंबर या फिर आधार नंबर, इन तीन चीज़ों की हेल्प से ही आप ट्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या होगा, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिस ऐप की लिंक मैंने स्पेशली डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से वही ऐप डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बिल्कुल वीडियो को पहले सुनिएगा अच्छे से, यहां पे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसको डाउनलोड करने के बाद वो आपसे अपडेट का ऑप्शन मांगेगा, तो प्लीज़ आप उसे अपडेट मत कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप उसे अपडेट मत कीजिएगा। आप जैसे ही अपडेट कर देंगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। आप जैसे उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से आपका पूरा का पूरा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, देर इज़ ए न्यू वर्जन ऑफ दिस एप्लीकेशन, क्लिक गो अपग्रेड नाउ। बट आपने यहाँ पे क्या करना है, रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक कर देना। अब जैसे रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बेनिफिशियरी स्टेटस का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपने बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक कर लेंगे तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, यहाँ पे आपने तीन चीज़ रेडी रखिएगा, आधार नंबर, अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर, इनमें से कोई एक चीज़ आप डाल के यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। मान लीजिए अकाउंट नंबर सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने पूरी डिटेल आ गई कि आपने कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट कब कब आपके अकाउंट में ऐड हुआ है। तो यहाँ पे आप खुद से भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ ऐसा नहीं जो एडिटिंग किया हो या फिर हाइड किया हो आप लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ जो प्राइवेसी वाली डिटेल्स हैं वो थोड़ी सी हमने हाइड किया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप तीन चीज़ों से अकाउंट को सर्च कर सकते हो, चाहे वो आपका अकाउंट नंबर हो, चाहे वो आधार नंबर हो, चाहे वो मोबाइल नंबर हो। तो ये तो हो गया। और इसे आपको डाउनलोड कैसे करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाना है, आपने वहीं से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करना है, ये चीज़ बिल्कुल केयर से आप सुनिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि आप कैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी आपके पैसे ऐड हुए हैं आप कैसे चेक कर सकते हो और कब कब ऐड हुए हैं, ये सब सारी चीज़ें आप ट्रैक खुद से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अपने दोस्त अली को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।